मेजरमेंट टेस्टिंग का, और आपके लिए एक बेस्ट वीडियो है आज के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप मल्टीमीटर यूज करते हो को मेजरमेंट टेस्टिंग के लिए, अर्थिंग टेस्टिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो एक मल्टीमीटर है मेरे पास जो कि मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ आपको। इस ये मल्टीमीटर है मास्टेक का, जो कि कहीं भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी नीड हो तो बेस्ट बाय लिंक मैं इस वीडियो के नीचे इधर या इस साइड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो या बाय कर सकते हो, ठीक है। इस मल्टीमीटर का नाम है डिजिटल मल्टीमीटर और सीरीज का नाम है मास 830L, एल फॉर लखनऊ एल, ठीक है। तो मास्टेक मल्टीमीटर मास 830L का ये मेरे पास मल्टीमीटर है, जो कि डिजिटल मल्टीमीटर है। तो मैं आपको पूरा ए टू जेड दिखाऊंगा आज, कि इसको इसका पूरा ओवर भी दिखाऊंगा, टेस्टिंग कैसे करते हैं, अर्थिंग कैसा चेक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मेजरमेंट कैसे करते हैं, बैटरी का वगैरह वगैरह। तो लास्ट तक का वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बेसिक दिखा दूँ कि इसमें जो मास्टेक का मल्टीमीटर है, इसमें कई सारे इसका वर्जन्स आता है, जैसे कि आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मास 830, यह भी एक सीरीज आती है इसकी, और एक सीरीज आती है मास 830B वाला, सेम टू सेम होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंट है। जैसे कि वहाँ पर मल्टीमीटर को देखो, यहाँ पर क्या है 600 वोल्ट तक की दिया है। अगर आप एडवांस खरीदो तो यहाँ 750 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, इधर से इस टाइप का, इसका मैं अभी बताता हूँ आपको। और मेरे पास जो भी मल्टीमीटर जो वहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला मल्टीमीटर है मास का मतलब मास्टेक मास 830L, L यानी कि लखनऊ वाला। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं दे दूंगा आपको, अगर नीड हो, ज़रूरत हो या चेक करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इसको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ये एकदम सिंपल मल्टीमीटर है जिसमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे मल्टीमीटर आते हैं, एक साइंटिफिक मल्टीमीटर आता है, बेसिक मल्टीमीटर आता है, डिजिटल मल्टीमीटर में के भी काफ़ी सीर, और एक इसका सीरीज है यहाँ देख लीजिए, मास 83 मास का मतलब मास्टेक मास 838 सिंपल वाला, ठीक है। तो अपने पास अभी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ डॉट लगाए, यानी कि मेरे पास कौन सा है मास 830L। तो ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए फटाफट चलते हैं, मैं इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू देख लीजिए मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर आपको बेसिक सा मिलेगा, डिजिटल मल्टीमीटर है इसका। यहाँ से सबसे पहले इसको ऑफ स्टेट में मैं ले जाता हूँ, तो ये अभी बंद हो चुका है। और ऑन स्टेट में करने के लिए आपको एक तो एसी साइड जाना पड़ेगा, या तो इधर से डीसी साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक थोड़ा ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये पूरा डीसी का एरिया है, मतलब इस साइड का, यहाँ जहाँ होल्ड की बटन दी हुई, इस साइड का पूरा डीसी का एरिया है। और इधर में आपको जो दिखेगा मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट चेक करने के लिए, अर्थिंग चेक करने के लिए, पूरा एसी वोल्टेज है। एसी यहाँ लिखा भी है वोल्टेज एंड डीसी, यानी कि वोल्टेज में डीसी करंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऑफ स्टेज में ले गया इसको, ऑन करने के लिए आपको किधर भी लेफ्ट और राइट हैंड इसको जाना पड़ेगा। देखो जीरो आ चुका है। अगर आपको लगता है कि आपको अंधेरे में ये दिखता नहीं है, तो यहाँ पर एक ब्लैक बैकलाइट का है, तो यहाँ से इसको दबा के कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया, अगर आप चाहते हो उसको रोक के रखना, तो इस होल्ड की बटन को आप प्रेस कर दोगे, तो देखो यहाँ पर होल्ड हो गया है, ऐसे लिखा जाएगा आपको स्क्रीन पे, आई थिंक दिख रहा होगा। और इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ से होल्ड भी हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिक मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको एकदम सिंपल कि यार आपने पहली बार एक मल्टीमीटर लिया है घर पे मेजरमेंट चेक करने के लिए, अर्थिंग चेक करने के लिए, एकदम फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो बेसिक मल्टीमीटर, तो ये मल्टीमीटर आप रेफर कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छे अच्छे भी आते हैं, इससे कम रेट में भी आते हैं, इससे जितना कम स्पेसिफिकेशन वाला लोगे उसमें आपको कम फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर है, ठीक है, जो कि 10 ADC तक चलता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जैसे कि जैसे आप अनबॉक्सिंग करते हो, जैसे मैंने बताया कि बस बॉक्स के अंदर एक मल्टीमीटर मिलता है आपको, केबलिंग मिलती है और यूज़र गाइड मैनुअल मिलेगा, तो उसको पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं इसका यूज़ भी करता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, जैसे केबल मिलेगी, तो जो ये होता है न्यूट्रल का, यानी कि कॉमन पोर्ट होता है, ये वाला जो पोर्ट दिखेगा आपको कॉमन पोर्ट होता है, और ये होता है फेस, ठीक है, ये फेस यानी कि करंट, और ये आपका कॉमन पोर्ट होता है जो कि न्यूट्रल। यहाँ आप बेसिक देखो तो यहाँ पर आपको तीन पोर्ट दिया है, तीन यानी कि रेडियो बटन दिया है, जो बटन बोल सकते हैं आप इसको,
तो यहाँ पर तीन पोर्ट दिए, पोर्ट में जो बीच वाला रहेगा जिस पे कॉमन लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये वाला जो है पोर्ट कॉमन रहेगा जो कि ब्लैक वायर जाएगा इसमें, अधिकतर कॉमन पोर्ट में ब्लैक वायर यूज होगा, और ये जो रेड कलर का वायर है यानी कि लाल कलर का, ये होगा इस पोर्ट में जाएगा फर्स्ट में। यहाँ पर लिखा भी है उन्होंने कैट सेकेंड 600 वोल्ट तक के ये सपोर्ट करेगा आपको, यानी कि टोटल। और ये जो पोर्ट है ये जब आप डीसी में यूज़ करोगे यानी कि 10 एम्पियर तक के, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक के पहले वाला, तो आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो 10 ए डीसी, ठीक है, और ये 600 वोल्ट तक के जाएगा ये फर्स्ट पोर्ट, और ये कॉमन रहेगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का कुछ वायर्स मिलता है, समथिंग 1.5 मीटर का होगा, तो कॉमन तो आपको बीच में ही रहने देना है, जहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कॉमन, ठीक है। ये देखो बीच में काला वाला जाएगा यानी कि ब्लैक वायर, एंड लास्ट में जाएगा आपका रेड वायर। तो ये आपका देखो ये असेंबल हो चुका है, रेडी हो चुका है टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले मल्टीमीटर को चेक करने के लिए आपको ऑफ स्टेट में मैं इसे ऑन करता हूँ। आप यहाँ पर इसको लाइट बैक लाइट भी जला सकते हैं इस बटन से, थोड़ी देर जलेगा, वो होल्ड कर सकते हैं, ये होल्ड की बटन है। थोड़ा सा बेसिक आप देख लीजिए कि क्या चीज़ है यहाँ पर, जो आपको नीचे से यानी इस साइड जो ये डीसी वोल्टेज चेक करने के, जैसे कि मोबाइल का बैटरी, यूपीएस का बैटरी, मेरा एसी का कि कोई भी बैटरी हो, मतलब कि एक डीसी जहाँ भी वोल्टेज आता है तो आपको यहाँ पर इस लाइन में चेक करना है। जैसे कि कोई 2 एम्पियर का बैटरी है, सॉरी 2 वोल्ट का बैटरी है, तो आपको 2 पे कनेक्ट करना है। आपको लगता है नहीं दिखा रहा है तो आपको 20 तक के ले जाना है इसको, 200 तक के। अगर आपको बैटरी 600 वोल्ट का है डीसी में, तो यहाँ पर आपको 600 तक के इसको लेकर जाना है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यस। और ये वाला जो इतना इनपुट दिख रहा है आपको, इतना ये है आपका एसी का इधर वाला भाग, जो आपका जो इधर वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला पूरा, ये एसी वोल्टेज का है। अगर आपको अपने घर का पावर या ऑफिस का वगैरह वगैरह जो भी, तो आपको 600 पर रखना है इसको। जैसे ये ऑफ स्टेट में मैं इसको रख देता हूँ, 600 यानी 600 वोल्ट पर चला गया। जब ये आपका एसी का यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मेजरमेंट चेक कर पाओगे, वोल्टेज चेक कर पाओगे, अर्थिंग चेक कर पाओगे, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। अगर उससे कम का है तो आपको 200 तक के सिलेक्ट करना है। आपके पास कोई भी डायोड है, कोई भी सर्किट है, उसको टेस्ट करना है, तो सॉरी आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको पोर्ट, जो छोटे छोटे पोर्ट बने दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर आपको एलईडी बल्ब जो होती है डायोड ट्रायोड की, यहाँ पर आप उनको लगा के चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मेजरमेंट दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। और ये है वायर का पोर्ट, अगर आपको कोई वायर का शॉर्ट सर्किट सिंगल वायर का चेक करना है, तो आपको यहाँ पर ये जो वाईफाई टाइप का आइकॉन दिया है यहाँ पर आपको चेक करना है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग इसी से करता हूँ पहले, अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है। आपका कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो और भी इस तरह मैं वर्क करके आपको बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। और भी लगभग एक ही होता है, जितना भी डिजिटल मल्टीमीटर है एक टाइप ही काम करेगा, बस उसमें इतना है कि वो स्टैंडर्ड होगा तो फंक्शंस बढ़ जाएगी, उसका एसी डीसी का फंक्शन बढ़ जाएगा। ये डीसी होता है, ये एसी होता है, आपकी नीड क्या है, आपको सबसे पहले तो आपकी नीड क्या है कि आपको कैसे चेक करना है कि यार कितना ओल्ड का लाइन चेक कर रहे हो। घर का 200 से लेकर 220, 240, 250, 60 तक के जाती है, तो आपको सीधा सा है कि ये ऑफ स्टेट में है, जिसको मैं ऑन स्टेट में करता हूँ, यानी कि 600 ओल्ड तक पे ले जाता हूँ, और यहाँ से आपको सीधा उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी वायर शॉर्ट सर्किट है उसको चेक करना है, या तो पहले सबसे पहले आप डिजिटल मीटर कनेक्ट करते हो, तो उसको खुद का टेस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर इस, जैसे कि मैंने जो बताया वाईफाई का जो आइकॉन दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने है। ये एरो का आइकन जहाँ टेस्टिंग करे उस साइड होना चाहिए, और जैसे कि मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि ओके है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा वायरिंग है और जो डिजिटल मल्टीमीटर है वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। छोटा सा बीप का आवाज आएगा आपको, अगर कोई छोटा सा वायर होता है उसको भी टेस्ट करने के लिए आपको बीप का वायर आता है, मैं दिखा देता हूं अभी आपको। तो चलिए टेस्टिंग अगेन अपन शुरू करते हैं। तो अगेन टेस्टिंग चालू करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वायर का, तो वायर को अगर कोई ऐसे आपके पास सिंगल सर्किट का वायर है, जैसे कि ब्लैक हो गया, जो भी वायर हो गया, आपको लगता है कि वायर ख़राब है, एक पेयर से दूसरे पेयर तक के कैसे टेस्ट करना है, कोई भी सर्किट में ऐसी टेस्टिंग होती है कि आपको कैसे मालूम करेगी कि यार वो वायर शॉर्ट होगा आपका कोई भी सर्किट में, कोई भी लाइन में, तो सिंपल सा है, मल्टीमीटर में है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि ये मल्टीमीटर आपका ऑफ स्टेट में है अभी, इसको ऑन किया यानी कि इस साइड में ले जाना है, एसी साइड में ले जाना है। और जो मैंने अभी बताया था आपको वायर टेस्टिंग के लिए, जो वाईफाई का आइकॉन है यहाँ पर, ये वाला आइकॉन, इस पर आपको मल्टीमीटर को सेट कर देना है। ठीक है, रेडी है आप जैसे कि कोई भी वायर लेते हैं एक पेयर से दूसरे पेयर को चेक करने के लिए। तो इसको मैं रेड में कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं, देखो ये वायरिंग की टेस्टिंग हो गई, यानी कि वायर वर्क कर रहा है, अपना वायर में कोई भी फॉल्टी नहीं है। आपको लेफ्ट किसी भी पेयर पर लगा सकते हो आप, क्योंकि तो ऑफ वायर है अभी, लाइन सर्किट में नहीं है। ठीक है, यानी कि अपना वायर ओके है, बीप की आवाज आ रही है, यानी कि बीप समझ जाइए कि वायर है आपका, सर्किट का वायर ओके है। और भी एक वायर लेता हूँ मैं जो कि हाइपर का है, ये काफी स्टैंडर्ड वायर होता है ये। ठीक है, यानी कि देखो ये भी वायर वर्क कर रहा है, यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सप्लाई आती है, यहाँ से लेकर जो लास्ट तक के सप्लाई आ रही है, यानी ये वायर अपना ओके है। ठीक है, वायरिंग की टेस्टिंग हुई। अब मैं आपको रियल नेट में दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा लैपटॉप या एसी का एक एडाप्टर है, ये मेरा एडाप्टर देखिए, ये मेरा है पावर एडाप्टर, यानी कि लैपटॉप का चार्जर। इसको टेस्ट करते हैं, मैं इसको उधर एसी में लगा दिया है, बोर्ड में, एसी की बोर्ड में लगा दिया है इसको। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको वहां तक तो एडाप्टर तक एसी की लाइन है, लेकिन इसका आउटपुट यानी कि आउटपुट कितना दे रहा है लैपटॉप को, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। आपका इधर ये जाएगा ब्लैक वायर और इसको आपको इधर इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग 19-20 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ठीक आ रहा है अभी, कोई भी ऐसा मुझे मिस्टेक नहीं लग रहा है। सॉरी, आई होप कि यस वर्किंग। मैं इधर देख लेता हूँ 19.7, यानी कि अगर वहाँ मिस्टेक दिखाता है तो आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ से कि कितना डीसी आया। अगर आपका 19 का है तो आप 20 पे देखिए। यहाँ मैंने अभी डीसी टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि ये जो लैपटॉप का आपका एडाप्टर है वहाँ तक तो एसी है आपके एडाप्टर तक, लेकिन ये तो इनपुट दे रहा है ना आपको, जैसे कि आपका चार्जर 19.5 वोल्ट का है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने 20 पर सेट किया, 20 पर का मतलब कि ये डीसी टेस्टिंग में आएगा डीसी। यहाँ पर मैंने अर्थ किया और ये वायर आपको इधर कनेक्ट करना है, तो लगभग 19.7, यानी कि मेरा चार्जर जो आउटपुट दे रहा है वो ओके दे रहा है 19.5। इसको ऐसा भी अगर आप टेस्ट करोगे, अगर आपने गलती से इसको इधर लगा दिया तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, थोड़ा आपको ठीक से कनेक्ट करना है। ठीक है, देखिए माइनस में दे रहा है, यानी कि आपका मिस्टेक है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि आपका आप गलत लगा रहे हो, आपको इस साइड ये करना है और जो करंट का वायर है वो आपको इसको इस साइड लगाना है। ठीक है, आई होप दिख नहीं रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए चार्जर का एडाप्टर है, इसको इस साइड इंसर्ट किया, ये पिन होता है ये, इस साइड इंसर्ट, यानी कि अपने को इनपुट वोल्टेज और आउटपुट कितना दे रहा है वो चेक करना है। ठीक है, आ गया 19 समथिंग कुछ आ रहा है। 200 पर सिलेक्ट करते हैं, रेंज 200 लगाते हैं तो आई कुछ ना कुछ वो मिस्टेक दिखाएगा, यानी कि उस रेंज में है ही नहीं आपका। ठीक है, 19 तो भी दिखा रहा है, यानी कि 219.7 आई थिंक, ये मेरा 19.5 का वोल्टेज इनपुट चार्जर है। कुछ कुछ डिजिटल मल्टीमीटर में आपको दिखाएगा भी कि कुछ मिस्टेक होगा। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखा देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ डीसी टेस्टिंग में, जैसे कि मेरा एसी है, एसी का कुछ मैं बैटरी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है यार कि ये बैटरी वर्क कर रही है कि एक्सपायर हो चुकी है, कि मतलब अपनी घड़ी का सेल जो भी बैटरी है वो ख़राब हो जाता है, तो आप उसको आराम से टेस्ट कर सकते हो इस टाइप से। पहले तो आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे कि बैटरी फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट का होगा, तो मैं देख भी लेता हूँ इसको कितने वोल्ट का बैटरी है। ये बैटरी आपको दिखा रहा है एवरीडे का समथिंग बैटरी है और 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है एसी का, एसी रिमोट कंट्रोल का, ये एसी जो वोल्टास का एसी आता है उसका ये बैटरी है। इसको टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो यार, 2 पर मैंने सिलेक्ट कर दिया है,
टू पर, यानी कि 2 वोल्ट का बैटरी है तो पहले आपको यहाँ पर उसकी रेंज में सिलेक्ट करना है। मेरा 2 वोल्ट का बैटरी है तो मैं इसको ध्यान से पहले चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। और मेरा रेड वाला आपको मैं बताता हूँ इसको प्लस माइनस का क्या फंडा होता है। ठीक है, 1.5 वोल्ट का बैटरी है और 1.3 दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक है बैटरी में, यानी अभी भी पावर है। 1.5 वोल्ट का है, 1.3 दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे टेस्ट करता हूँ, आपको ध्यान से लगाना है, कुछ कुछ डिजिटल मल्टीमीटर आपको सही सही नहीं बताएंगे, एक दो पॉइंट का फर्क होगा, लेकिन ठीक है। 1.3 अब आ गया, माइनस में दिखा रहा है, यानी कि आपने जो लिंक है गलत कनेक्ट किया है। तो मैं इसको इस साइड कनेक्ट करता हूँ, यानी कि आपका ये न्यूट्रल हो गया और ये हो गया आपका फेस टाइप का। ठीक है, 1.3 दिखा रहा है, 1.5 वोल्ट का बैटरी, यानी कि ये बैटरी वर्किंग है अभी अपना, ये पूरा डेड नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे इसको टेस्ट करते हैं सेकेंड बैटरी को। 1.5 वोल्ट का एसी का बैटरी है तो इसको रेड वाले को इस साइड लगाना है। यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, अर्थिंग चेक का मैं बताऊंगा अभी आपको लास्ट में। इसको पीछे में कनेक्ट करना है और जो ये रेड कलर का पेयर है इसको यहाँ पर लगाना है। अब 1.4, यानी कि ये तो और भी वर्क कर रही है, यानी कि ये भी डेड नहीं हुई है, यानी कि बैटरी अपनी ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल फोन का चलो मैं दिखाई देता हूँ। अगर मोबाइल फोन का बैटरी आपको मेजरमेंट चेक करना है तो ये मेरा माइक्रोमैक्स आई थिंक 1X103 का बैटरी है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। वर्किंग है मेरा बैटरी अभी, और ये जो बैटरी है 1715 मिली एम्पावर का बैटरी है, यानी कि 1750 मिली एम्पावर का ये मेरा बैटरी है। आपको मालूम है मोबाइल की कई सारी बैटरी में ऐसा 3 पेयर दिया रहता होगा, उस पर लिखा भी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका इस साइड में, आपका जो इस साइड में ये लास्ट में इधर प्लस वाला साइन है इस साइड में, और इधर में माइनस में है। ठीक है, तो इधर का यानी प्लस, इधर का माइनस, ये हो गया आपका न्यूट्रल और ये हो गया फेस, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका टेस्ट करने के लिए अगर ये बैटरी 1750 का है तो आपको इसको 20+ ले कर लेना है। यहाँ पर इधर भी ध्यान रखना है आपको कि क्या टेस्ट कर रहे हैं आप, कितना नीड है आपको। तो सबसे पहले तो इसमें तो दिया ही रहता है प्लस माइनस, तो कोई बात नहीं। अगर आपको पता भी नहीं है प्लस माइनस तो आप डायरेक्ट बैटरी उठाया, मल्टीमीटर आपने उठाया और डायरेक्ट इसको यहाँ पर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कनेक्ट करना है आपको। छोटी छोटी चीज टेस्टिंग करना बड़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि भागती है इधर उधर। ये देखो, ठीक है, -3, यानी कि गलत लगाया है आई थिंक मैंने, -3.78 दिखा रहा है। ठीक है, -3. अगर मैं इसको ऐसा टेस्ट करूँ, पेयर चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ प्लस वाले पे, तो हाँ आप माइनस आता है यानी कि आपने गलत लगाया है। टेस्ट तो दिखा देगा वो आपका, मेरे में 3.78 दिखा रहा है। और अगर बैटरी को मैं देखूँ तो 1750 मिली एम्पावर का बैटरी है और 3.7 वोल्ट का बैटरी है मेरा। अपन आज से आप बोलते हैं 4000 mAh का बैटरी, 5000 mAh का बैटरी, तो ये मेरा 1750 mAh का बैटरी है और 3.7 वोल्ट का है। तो मैं रीचेक करता हूँ। यहाँ पर आपको 20 पे सिलेक्ट करना है DC, क्योंकि बैटरी AC नहीं, DC चेक कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, अगेन मैं रीचेक करके दिखा देता हूँ। तो बैटरी को आपको इस टाइप से रखना है, ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको प्लस माइनस नहीं भी पता है तो, जैसे कि आपको नहीं पता है, आपने पहले वाले पर कनेक्ट करना है, पहला वाला पेयर और इधर लास्ट वाला पेयर में लाल वायर। तो देखो माइनस में दिखा रहा है, यानी गलत कर रहे हो आप, कोई बात नहीं। ये माइनस में आप इसको पेयर चेंज कर दो या बैटरी को पलटा सकते हो इस साइड में, और पहला वाला आपको आप आ गया प्लस में, यानी कि मेरा 3.7 का बैटरी है तो 100% सही दिखा रहा है और मेरा बैटरी भी एकदम 100% वर्क कर रहा है। अब ये आते हैं सेकेंड वाली पर। अगर सही सेकेंड वाली पर मैं चेक करता हूँ, ये वाला सेकेंड वाला पेयर मेरा, तो देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी कि पेयर चेंज करके देखते सेकेंड वाले में माइनस और ये वाला जो रेड है फेस का आपको प्लस में ले जाना है, यानी लास्ट वाले में, तो ये दिखाएगा लगभग 3.74, यानी कि आपका दोनों पेयर वर्क कर रहा है और बैटरी का मेरा जो वोल्टेज है या जो मुझे आउटपुट दे रही बैटरी सही दे रही है। ठीक है, ये बैटरी हो गया। अब चलते हैं धीरे धीरे अर्थिंग टेस्टिंग की तरफ। अर्थिंग काफ़ी मैंडेटरी होता है, मैं मेरा फ़ोन ऑन कर देता हूँ।
क्योंकि कॉल आएगा तो देखो मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने जो बैटरी से देखो ठीक है मेरा बैटरी, मैंने वर्किंग बैटरी आपको लाइव टेस्ट करके दिखाया है। आपका कोई भी क्वेरी हो इस मल्टीमीटर की रिकॉर्डिंग, डिजिटल मल्टीमीटर है मास 830L, कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा आपको। अगर आप बेसिक टेस्टिंग कर रहे हो, अगर आपने पहली बार मल्टीमीटर को हाथ लगाया तो इसका काफ़ी क्वेरी था, इसलिए मैं इसका वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। अब चलते हैं अर्थिंग टेस्टिंग की तरफ। तो अब चलते हैं अर्थिंग टेस्टिंग की तरफ, ठीक है। तो मैंने मल्टीमीटर देखो यहाँ पर ऊपर लगा दिया है, मल्टीमीटर कनेक्टेड है और ये है अपना एसी बोर्ड, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पहले तो। तो ये है अपना फेस, ठीक है, दिख रहा है आपको ये देख, ठीक है, थोड़ा पास में करता हूँ। ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये अर्थिंग हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं बटन ऑन कर देता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको फेस टेस्ट करके, ठीक है। लाइट ग्लो हो रहा है, यानी कि अपना फेस ये हो गया। उसके बाद ये है न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया अपना फेस, यस लाइट ग्लो हो रहा है और ये हो गया ये न्यूट्रल और ये हो गया अपना अर्थिंग का पॉइंट, ये वाला जो कि ये जो बोर्ड है आपको सीधा मालूम है MPB से सीधा पावर सप्लाई आता है इसका, ठीक है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लेगी वीडियो बनेगा आई थिंक ये तो, ठीक है, थोड़ा कैमरा भी ना हिले मेरा। उसके बाद अब चलते हैं, देखो मल्टीमीटर मैंने यहाँ पर ऊपर कनेक्ट कर दिया है और ये है अपना एसी का बोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको एसी मेजरमेंट यानी कि जो पावर है वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये अपना जैसे कि मैं अभी बताते आ रहा हूँ आपको, तो अगर आपको नहीं भी मालूम है कि अर्थ कौन सा है फेस कौन सा है तो कोई बात नहीं, जैसे कि न्यूट्रल है तो ब्लैक वायर इसमें जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक वायर इसमें जाएगा और चलो तो ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ब्लैक वायर न्यूट्रल में जाएगा और जो फेस का वायर है आपका काय में जाएगा फेस में रेड वायर। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो बस आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, बटन चालू कर देना। तो यहाँ पर देखो मल्टीमीटर में ध्यान से कितना 246 आ रहा है, यानी कि सही है। और आपको जो सेट है 600 पे करना है, उधर देखो एसी में, क्योंकि एसी वोल्टेज चेक हो रहा है तो एसी वोल्टेज के लिए आपको आपको एसी में चेक करना है, यानी कि 600 तक के लाना है जो लास्ट में है एकदम 600, ठीक है। तो 245-246 समथिंग आ रहा है वोल्टेज। और ये यहाँ पर देखो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया है, अगर आपको न्यूट्रल फेस नहीं भी मालूम है, ठीक है, अगर आप इधर ऐसे कर दोगे तो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पहले चेक कर सकते हैं। और अर्थिंग चेक करने के लिए जैसे आपको चेक कैसे करना है, ऐसे ये आपका कितना आ गया 243, ठीक है, 243-245 तक के जा रहा है, थोड़ा हिल रहा है आई थिंक, ओके ठीक है। अब आपको करना है क्या है, अर्थिंग चेक करने के लिए ये इसको ब्लैक रेड वाले वायर को जैसा का वैसा रहने देना है, और थोड़ा मैं सेपरेट पहले कर लेता हूँ कि हिले ना, और रेड वाले वायर को जैसे का वैसा रहने देना है। और आपको जो ब्लैक वायर है उधर ई में लगाना है, बने ऊपर वाला जो स्लॉट होता है, क्योंकि आपको मालूम है आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एक्सटेंशन आते हैं उसमें अर्थिंग का पीट होता ही है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने लगा दिया। आप जाते हैं वोल्टामीटर के मल्टीमीटर की तरफ, देखो 245 आ रहा है, फिक्स आ रहा है, यानी कि जो मेरा अर्थिंग है ओके है। अगर आप कोई सिंगल लाइट बल्ब अगर आप चेक करोगे तो आपको 42 ने जल जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया 6 अर्थिंग चेक हो गया अपना। अब फिर अगेन चलते हैं इस बोर्ड पर, तो ये मेरा न्यूट्रल और ये मेरा फेस, ये मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। जो रेड वाला है जैसे का वैसा रहने देना है, यानी कि भाई आपको अर्थिंग चेक करना है तो अर्थिंग के लिए ब्लैक वायर यूज होगा, ये न्यूट्रल है आपका, तो इसको इधर लगा दिया ऊपर में और रेड वाला इधर फेस में लगा दिया, ठीक है। देखो अर्थिंग आ गया अपना कितना 245, और इधर आपको चेक करना है न्यूट्रल और फेस, ये देखो ये लगाया मैंने सीधा, यानी वो वोल्टेज चेक करने के लिए, ये वोल्टेज आ गया आपका 247-248 समथिंग, ठीक है, 243 तक के जा रहा है। तो ये हुआ आपका अर्थिंग टेस्ट, अर्थिंग और वोल्टेज। और भी नया दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि
तो अब चलते हैं पावर एडाप्टर पर टेस्टिंग पर। जैसे कि मैंने यहाँ देखो एसी में इसे कनेक्ट कर दिया है, बटन ऑन कर दिया है, और ये है किसी भी लैपटॉप का एडाप्टर बोल सकते हैं आप, या किसी भी डेस्कटॉप का, ठीक है, जो कि इस टाइप का पोर्ट होता है। और यहाँ मैंने मेरा मल्टीमीटर जो कि डिजिटल मल्टीमीटर कनेक्ट करा है, ये एसी वोल्टेज है तो एसी में इसको सेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा देखने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं इसे सेट करता हूँ, ऑफ मोड में है अभी, ऑफ मोड में इसके मैं 600 पर एसी में ले जाता हूँ और इसका ऑन कर देता हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में एसी वोल्टेज चेक करने के लिए एक मैंने अभी एसी में इसको लगा दिया है, ठीक है, ये पावर एडाप्टर है, इधर बोर्ड में कनेक्टेड है, आपने देखा है यहाँ पर। और उसको चेक करने के लिए इसमें भी अर्थिंग भी आता है, यहाँ भी चेक कर सकते हो आप। इसको इस साइड कनेक्ट करना है आपको, इसको इस साइड कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने एक अंदाज से कनेक्ट किया है, आपको नहीं भी मालूम होता है कि एसी किधर प्लस माइनस यानी किधर अर्थित है, तो वहाँ पर देखो ध्यान से, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। 333 आ रहा है, सॉरी 233 आ रहा है, यानी कि सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इस रेड वाले को छोड़ देना है जैसे का वैसा, और इसको बाहर निकाल के इधर कनेक्ट करना है। तो ये आपका अर्थिंग भी टेस्ट हो गया, ठीक है, 0.13 दिखा रहा है, क्योंकि ये जो सप्लाई आई है वाया यूपीएस के थ्रू सप्लाई है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो सप्लाई आई है डायरेक्ट एसी, यानी खंबे की लाइन बोल सकते हैं उसको, डायरेक्ट एमवीवी की लाइन, ये वाया यूपीएस की। कितना दिखा रहा है, पकड़ के रखना पड़ेगा मुझे, 13 तक के जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डीसी डायरेक्ट एसी करंट कितना आ रहा है, आपको ऐसे लगाना है इसको किसी भी पावर एडाप्टर को चेक करने के लिए, 233, ठीक है। अब यही वाला अगर मैं पावर एडाप्टर, ये कोई लैपटॉप का चार्जर है, मैं यहाँ से इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये याद रखे यूपीएस वाया यूपीएस का करंट है, ठीक है, ये मेरा एडाप्टर है, ये अपना जैसे मैंने भी दिखाया था, लेकिन आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ करंट टेस्ट करके। 100 से 240 वोल्ट तक के लेगा और 50 से 60 हर्ट्ज तक की पावर सप्लाई लेगा, यानी 1.5 एम्पियर का चार्जर है, 1.5 एम्पियर का चार्जर है। और वोल्टेज की अगर इसकी रेटिंग देखी जाए, मैंने बताया था 19.5 वोल्ट का है, तो अब यहाँ तक तो एसी आ गया, अभी डीसी में कन्वर्ट हुआ जैसे कि, क्योंकि डायरेक्ट एसी पर तो चलता नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते कि कितना ये रियल में एक्चुअल में कितना अपने को आउटपुट दे रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो आपको जो है जो न्यूट्रल है इस साइड में लाना पड़ेगा, अलग अलग होता है चार्जर का, आप देख सकते हैं अलग अलग, और इसको इधर अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी अभी मैंने देखो अभी एसी था तो आपको डीसी में सेट करना पड़ेगा, 19 का चार्जर था, इसको 20 डीसी की लाइन में यहाँ पर आपको 20 तक के लाना है, ठीक है, 20 तक के ला के छोड़ दिया। उसके बाद रीचेक करते एक बार, इसको इधर कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है, आ गया 19.75, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये देखो थोड़ा पकड़ के रख, कितना आ रहा है 19.75, ठीक है, यानी कि अपना ओके है चार्जर, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है, आउटपुट यानी कि सही दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखो इसको लगाने का तरीका, ये आपका न्यूट्रल होगा, यहाँ से टच करना है इसको, यहाँ पकड़ लेना है, आपको इसमें केबल लगी आती है उसको हटा भी सकते हैं आप, और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है, आ चुका है 19.5। उधर देखो मल्टीमीटर में शायद दिख रहा होगा यहाँ पर इसको, इधर पे अगर इधर से नहीं आता है तो यहाँ पर जो जो लास्ट में पेयर दी होती है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, पेयर वो बार बार आपको हटे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये थी वोल्टेज टेस्टिंग, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और भी आपको कोई सवाल सुझाव या आपका कुछ प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। देखा आपने ऐसा इस डिजिटल मल्टीमीटर, जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है मास्टेक का, उसकी टेस्टिंग ऐसी करते हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेरी हो, सवाल सुझाव शिकायत हो तो मुझे लिख के बताएं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और भी कोई इसमें आपको लगता है कि ये टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो टेस्टिंग समथिंग कैसे करते हैं, ये ऑफ मोड में है, इधर आपको एसी में जाएगा, पूरा एसी करंट इस साइड चेक कर सकते हो आप, मेजरमेंट पूरा एसी, और आपका डीसी करंट इस साइड चेक कर सकते हो। और यहाँ से आपको बैकलाइट का बटन है, होल्ड का बटन, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपको ये बिल्कुल सेट एक बार कर लिया, ये कॉमन पोर्ट होता है जैसे कि मैंने बताया,
ये कॉमन तो जगह पे ही रहेगा। और जैसे कि देखो मैंने एक बार लगाया था कॉमन पोर्ट में, तो पूरा टेस्टिंग आज 100% टेस्टिंग इसी में हो जाता है आपका अधिकतर में। तो ये तो आपको एक बेसिक सेट ऐसे ही कर लेना, ये कॉमन पोर्ट हो गया आपका। यहाँ लिखा भी है उनने एम्पियर में दिया है यहाँ पर लगभग कितना 600 तक के कनेक्ट कर सकते हैं। और मास 830L ये फाइनल आपका कंप्लीट हुआ टेस्टिंग, ठीक है। तो आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि और भी लोगों को हेल्प मिले। मेरे और भी टेक वीडियोस देखने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए सबका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें सिस्कोटेक चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।